हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी आप देख रहे हो, ये ना सुबह सुबह का टाइम है। मैं आपको लक्ष्मी जी के पांव दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो अभी सुबह सुबह जब पति देव ड्यूटी जा रहे थे, तभी हम जैसे हमारी बिल्डिंग में ही ना ऊपर वाले फ्लोर पे 2 रूम सेट खाली हुआ है, तो उसको हम, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, उसको हम लेने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर हम अभी क्यों शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक नल का है, जो नल है ना, मतलब जो किचन का नल है वो भी ख़राब है यहाँ पर। तो मकान मालिक को बोला था मैंने, कहा इसको ठीक करा दियो। उसके बाद बाथरूम में भी ख़राब है, और यहाँ पे पेंट वगैरह हो गया है पूरा। मैंने आपको दिखाया पेंट की बाल्टी, अभी सफाई वगैरह यहाँ पे नहीं हुई है। पेंट कराए ना लगभग यहाँ पे 1 वीक हो गया था। हमने सोचा था कि हम संडे तक शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आके हमने देखा तो बहुत सारी, देखिए ये जो बास बेसिन का नल है ये भी ख़राब है इनका। तो उनको बोला था मैंने, कहा इनको ठीक करा दियो, क्योंकि ये काम होता है ना, पहले अगर हो जाए, सफाई करने से पहले अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। बाकी जो फ्लश वगैरह है, टॉयलेट फ्लश वगैरह, उसमें भी लीकेज है। तो उनको बोला था, सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ही लगी, देखिए बाहर भी एक रूम है, उसके अंदर को एक रूम है, बाकी किचन और बाथरूम जो बाहर वाला रूम है ना उसी के साथ है अंदर को। तो इस वाले रूम में जैसे इसको हम बेडरूम बनाएंगे तो ऊपर इसमें सेल्फ है जिसमें काफ़ी सामान आ जाएगा। वैसे एक बात और आपको बता दूं, हमें तो यहाँ पे रहना नहीं है, जैसे आपको पता ही होगा, बच्चे तो मैंने नीचे डाले हैं, तो हमें यहाँ पे नहीं रहना है, इसीलिए हम कुछ ज़्यादा अच्छा रूम नहीं देख रहे हैं। आंटी की दुकान में चलते ना, जी जी लो तो पैसे दो, लो आप मेरे तुम बस यार, जितनी मर्जी लो। नहीं अरे उसको लेनी पता है ये गाड़ी इतनी गंदी हो गई कि इस पे डिजाइन कर सकते हैं कुछ भी। लंगर करके मर जाओगे बस। एकदम ना उसकी तरह दिखती है ये कांटे, कांटे मिंट की तरह ये वाले कांटे लगते हैं और इस पे ना मक्खू भी ज्यादा है। मम्मा नहीं, अगर लग गया है ना कहीं तो खारिश से हाल बेहाल हो, खारिश नहीं जलन होता है। हाँ, और इसका साग भी बनता है जब इसकी ऊपर वाली कोंपली है ना, ताजे पत्ते इनको निकाल के। हाँ, फिर इनके कांटे निकालते हैं, टम से निकालना पड़ेगा। चलो नहीं कांटे तो निकालते हैं हाथों से, इतना भयानक रास्ता है। कितनी सारी लकड़ियाँ काटी है यहाँ पे है? हाँ ना भैया, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद खाना। हाँ देख लिया, सरप्राइज एग और ये तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जा रही है, क्या दिखा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड, आपने देखा होगा जो आई थी मेरे पास भी, तो उसने ही आज हमें लंच पे बुलाया है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और वहाँ पे भी ना जैसे रूम खाली है तो उसको भी मैं दिखाऊंगी आपको, वो वही वाला है जहाँ पर, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, अगर आपने पहले वाला ब्लॉग देखा तो मैंने दिखाया था आपको, मुझे बहुत पसंद है। फाइनली देखिए अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। हाँ खोल दे, रख दे, ये देखो कितना सारा लाए। अच्छा चलो 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 चलो, वेरी गुड। तो इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर लंच वगैरह हो रहा है, शिवा और सुबी बैठ गए हैं। सुबी तो पहले मना कर रही थी कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन फिर बाद में खिला ही दिया उसको भी ब्लॉक्स। ये कौन है नीचे, ये कौन है नीचे? हाँ रुई, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये मेरी फ्रेंड का रूम है और बीच वाला जो रूम है ना वो खाली है, मतलब ये भी 2 रूम सेट है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, जैसे ही यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे क्या लगती है, यहाँ पे धूप भी लगती है प्रॉपर और रूम भी काफ़ी खुले हैं, काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे मुझे पसंद है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ना जैसे
जो जहाँ पे अगर बस से आना हो तो एनएच पे उतरेंगे तो इससे काफ़ी दूर है ये, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पड़ जाता है। तो जैसे अगर रात को आना हो ना तो तब दिक्कत हो जाती है, तब थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। वैसे ये भी अभी 2-3 2-4 दिन पहले ही खाली हुआ है, ये फिर से रेंट पे चढ़ गया था। तो बाहर वाला ये एक देखिए, ये बाहर से जैसे ही आते हैं ये बाहर वाला रूम है, ये काफ़ी खुला है। और फिर इसके बाद ये वाला रूम है, उसके साथ ही किचन है। किचन मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, बहुत खुला उन्होंने बनाया है, पूरा रूम के बराबर ये किचन भी है। जैसे रूम होते हैं ना वैसे ये किचन भी है, तो यहाँ पर आराम से खाना वगैरह भी बैठ के खा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हमें तो यहाँ पर रहना नहीं है, क्योंकि बच्चों के जब स्कूल खुल जाएंगे तो हमें वापस से घर जाना पड़ेगा, जैसा आपको पता ही होगा। और ये बड़ा सा बाथरूम भी है यहाँ पे, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह भी बहुत आराम से रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है, कुल मिला के बहुत अच्छा है। और बाथरूम और किचन में भी टाइलें वगैरह डली है, बाकी तो नहीं है। तो उसके बाद देखिए आ गए थे मैं बाहर, और बाहर धूप में थोड़ा सा बैठ, धूप देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मतलब इतनी तेज़ धूप लग रही है पता ही नहीं लग रहा है कि इतनी ठंड है आजकल। धूप में तो सेकने का पूरा मज़ा है, यहाँ पे आ रहा है, पीठ हमने धूप की तरफ की है और दोनों बैठ गई हैं बातें करने। तो और बच्चे भी यहाँ पे देखिए खूब मस्ती कर रहे हैं, शुभी की भी खूब, उसको भी बहुत पसंद आया है ये। शुभी भी बोल रही थी, मैंने कहा बेटा हमें तो रहना नहीं है, लेकिन पापा को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, फिर सोचेंगे, क्योंकि मैंने अभी इनके मकान मालिक को भी नहीं बताया है। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे और हमें मार्केट भी जाना था, तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी, मैंने कहा मार्केट होते हुए चलते हैं। यहाँ से मैं दिखा रही हूँ आपको, पता क्या, यहाँ पे ना आग लगा दी थी। आग आप सामने देखोगे कितनी फैली हुई है, यहाँ पे दूसरी तरफ भी घर हैं, जो जंगल से दूसरी तरफ है ना वहाँ पे घर हैं। तो पूरे देखो जंगल वाला कितना एरिया ये जला हुआ है। तो उसके बाद देखिए मार्केट में आई, मार्केट का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि उसके बाद शुभी का भी पेपर था 6:30 बजे, तो पूरा से एग्जैक्ट 6:30 बजे हम पहुँचे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर पालक पनीर बनाने वाली हूँ, तो पालक को मैं यहाँ पर बॉयल कर रही हूँ। पालक ना मैंने पहले ही धो के रख दिया था ताकि इजी हो, लेट पेपर ना नहीं हो थे जाए बच्चे, शाम ये को। यूनिट टेस्ट थे, मुझे बधाई दो। बधाई हो सभी, बधाई हो, आज खत्म हो गए और पूरे टाइम पे पहुंचे हम 6:30 बजे यहाँ पे। और ये इसको यूनिट चॉकलेट खानी है, टेस्ट अभी नहीं खानी चॉकलेट। हाँ दे बस, दे चलो लिखो, बंद कर दो अब और अपने बैग में डाल दो, ठीक है। अच्छे से करो, अच्छे से झुक झुका दिखाओ जरा, हो गया बारीक, इससे निकल रहा हुआ, ये करता है झुक झुका, अरे इससे निकल रहा हुआ करता है, नहीं आप खुद करो, इससे नहीं होगा, देखो कर रहा है। मैं तड़का दे रही हूँ, जल्दी करो। तो आप सोच रहे होंगे कि पालक, जैसे आपको पता ही है पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो मिक्सर ग्राइंडर था ना वो ख़राब हो चुका है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर था वो, बट वो जैसे पीछे हम छुआरे उसमें ग्राइंड कर रहे थे तो वो ख़राब हो गया। उसके बाद अभी पालक को बस ऐसे ही घूटने को दिया उनके पास, अदरवाइज मिक्सर ग्राइंडर होता तो फिर जल्दी हो जाती और उसे बनता भी फिर अच्छा है। तो शिवा यहाँ पे मानता नहीं है, वो ले लेता है कि मुझे करना है ये। दो अब हो गया, दे दो अब, हो गया, अब सब्जी बनेगी इसकी, पालक पनीर बनेगा, ठीक है, शिवा भी खाएगा, ओके। मैं ना जब पालक पनीर बनाती हूँ तो उसके अंदर टमाटर भी डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर से क्या होता है कि इसका कसैलापन खत्म हो जाता है, जो पालक में आता है ना थोड़ा सा कसैलापन, वो खत्म हो जाता है। तो पालक देखिए, टमाटर को मैं हमेशा से काट कर ही डालती हूँ ग्राइंडर जब से ख़राब हुआ है, लेकिन ऐसे भी 1-2 टमाटर डालने हो तो उनको ग्राइंड में नहीं करती हूँ। तो बस देखिए पालक उतना बारीक तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं। तो उसमें देखिए मैंने पनीर भी डाल दिया, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने, जीरा वगैरह डाल के ना, तेज पत्ता वगैरह डाल के, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसका जो टेस्ट है ना वो फिर ख़राब हो जाता है, वैसा टेस्ट नहीं रहता इसमें, ना ही उतने फिर विटामिन रहेंगे। तो बस देखिए पालक पनीर भी तैयार हो चुका है, बाकी बाद में पूछेंगे किस तरह से कैसा बना है हमारा पालक। अभी देखो रात के 11 बज गए, पूरी इनका टीवी अभी भी चला हुआ है, साथ में शिवा भी देख रहा है। मैंने बता दिया अभी रात के 11 बज रहे हैं, वैसे सुबह वो बता दो कैसा बना था। वो तो बहुत अच्छा बना था, क्योंकि इसका फेवरेट है, इसकी फेवरेट डिश है, बोलती है मैक्सिमम टाइम की पालक पनीर बनाओ, हालांकि पनीर पनीर खा लेगी, वैसे पालक भी खा लेती है उसके साथ, शिवा नहीं खा रहा था क्योंकि पालक मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे हरी सब्जियों में अच्छा लगता है, पालक भी आता है हरी सब्जियों में तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सारा। हाँ अच्छा, एक बात मुझे बतानी थी, मैं तो मेरा फेवरेट ही 2-3 दिन के बाद मैंने आज आपके कमेंट पढ़े हैं, और सॉरी आज अब सारे बोलेंगे मम्मा खड़ूस है, फिर बोलेंगे कमेंट का रिप्लाई नहीं देती, हम नहीं देखेंगे इसकी वीडियो। हाँ बट मैं कोशिश करती हूँ बहुत, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब शाम को मैं ये डिजाइन, अभी भी मैंने डिजाइन क्रिएट किया, और देखो पीछे टेम्पल है वहाँ पे रख दिया वो,
मंदिर में, अदरवाइज फिर मेरे ये काम नहीं होंगे, फिर मेरे ये काम रुक जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मैं सोती हूँ ना, तब आपके कमेंट पढ़ती हूँ। तो आज मैं कमेंट पढ़ रही थी, वो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं सरोचित्रा जी, उनके बेटे का जन्मदिन था आज। सॉरी मैंने उनको नीचे लिख दिया। आज जब कमेंट पढ़ रही थी तब मुझे पता चला कि आपके बेटे का जन्मदिन है आज। सो अभी ये ब्लॉग तो एक दो दिन लेट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी बी लेटेड हैप्पी बर्थडे आपके बेटे को, ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जरूरी नहीं है आज उन्हीं का ही हो, और सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं। हाँ, जिसका भी बर्थडे होगा उन सभी को हैप्पी बर्थडे, और उनको दिल से उन्होंने लिखा था। जिनका नहीं होगा उनको एडवांस में, तो उनको बुरा लगा कि हम आपकी वीडियो देखते हैं। उन्होंने कमेंट में लिखा भी था कि हम आपकी वीडियो देखते हैं और आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ते, अगर हम भी तो बिजी होते हैं। सॉरी उसके लिए, जैसे सॉरी, अगर मुझे पता होता तो मैं सच में ही नीचे लिखती, कम्युनिटी में लिखती, हैप्पी बर्थडे विश करती। लेकिन मैंने फिर भी आज बर्थडे वाले दिन कर दी है, आई मीन 12 फरवरी है आज, तो आज कर दी है। चलो शुभी अभी गाना गा लें। हाँ, बार बार ठीक है। ये आपके बेटे के लिए और हर उस सब्सक्राइबर के लिए जिसका बर्थडे है आज, या जो भी मेरी वीडियो देख रही है, हमारी ब्लॉग देख रही है, उन सबको, जिसका भी आने वाला है, जिसे मेरा आने वाला है और हाँ मेरी बहन का भी आने वाला है, जब भी वो ब्लॉग देख रही है। चलेगा, शुरू करें। 1 2 3 बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear subscriber, happy birthday to you। सो आई होप आपको, जब भी आप ये ब्लॉग देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हो। ये आपके बर्थडे वाले दिन का ही, जब आपके बर्थडे बेटे का बर्थडे है उसी दिन का ब्लॉग है, बट एक दो दिन लेट आ रहा है मेरा ब्लॉग, उसके लिए सॉरी। सो अब आई होप आप नाराज नहीं होंगे और आपको अच्छा लगेगा, बहुत सारा, बहुत लंबी उम्र हो आपके बेटे की और ढेर सारी खुशियां मिले। ये बोल रहे आपको, बोल रहे थे कि आपके बेटा ने बिल्कुल आपकी तरह है और हाइट भी सेम टू सेम आपकी तरह है। बोलो बोलो, हैप्पी बर्थडे विश कर दो। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हिंदी में बोलो, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और निराश ना हो। निराश कितनी बिजी रहती हूँ पता है? बहुत बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं होती। और आजकल खासकर बच्चों के पेपर लगे थे तो मैं ज्यादा टाइम इनको दे रही हूँ, दोनों के, एक का सुबह होता है एक का शाम को होता है, तो आप समझ ही सकते हो। प्लीज नाराज मत होना, बहुत मुश्किल है। आज फिर भी मैंने आपके कमेंट पढ़ लिए, रात को जब सोती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट भी पढ़ूं, लेकिन कमेंट इतने ज्यादा होते हैं कि पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। बाय बोले, गुड नाइट। सो प्लीज नाराज मत होना, और आई होप अब आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ब्लॉग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।